हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब बेरंग लिफाफे का, जिसको लिखा है मनीष भार्गव ने और यह इनकी पहली किताब है। इसके बाद ये दो किताबें और लिख चुके हैं, नल दमयंती और कचहरी नामा। बेरंग लिफाफा को प्रकाशित किया है सन्मति प्रकाशन ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 122 और अमेजन पर इसका मूल्य है 130 रुपये। अन्य वेबसाइटों पर किताब के मूल्य कम या ज़्यादा हो सकते हैं। किताब की शुरुआत में लेखक लिखते हैं कि यह मेरा पहला उपन्यास व मेरे द्वारा लिखी गई पहली किताब है। इसमें जो भी बेहतर करने की गुंजाइश हो उसे फीडबैक के जरिए मुझ तक जरूर भेजें ताकि आगामी उपन्यास में मैं उसे समाहित कर सकूं। यह किताब एक उपन्यास है और इसमें एक पंकज जैन नाम के एक आदमी का पूरा कहानी दिखाया गया है। कहानी के शुरू में दिखाया जाता है कि पंकज जैन पुरातत्व विभाग में अधिकारी हैं और उनके पास दो पुलिस वाले आते हैं और उनसे एक मर्डर केस के सिलसिले में बातचीत करते हैं। तब पंकज जैन उनको अपने बचपन से लेके अब तक की सारी कहानी बताते हैं। शुरू में वो नवोदय विद्यालय में थे, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते कई सारी नौकरियां की, इसके बारे में पूरा डिटेल में वो बताते हैं। एक गाँव के परिवेश से निकले नवोदय विद्यालय में जाना, उसके बाद वहाँ के माहौल में ढलना, वहाँ का रहन सहन सीखना और प्रेम प्रसंग में पड़ना, उसके बाद किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर देना और उसमें पास हो जाना, और जब उस नौकरी में कोई कमी पाते थे तो वो उस नौकरी को छोड़कर कोई दूसरी नौकरी पकड़ लेते थे। पूरी किताब में इसी बात को डिटेल में बताया गया है। पंकज बड़ा ऊहापोह में रहता है। वह सोचता है कि ये वाली नौकरी अच्छी नहीं है, दूसरी वाली नौकरी और ज़्यादा अच्छी होगी, और वह उसके लिए अप्लाई करता है और फिर से पीछे हट जाता है। इसी के संदर्भ में जीवन के बारे में एक अच्छी सीख दी गई है। जिंदगी बिल्कुल एक प्याज की तरह है। अगर हम यह जानना चाहें कि प्याज क्या है और उसको जानने के लिए हम उसको छीलते चले जाएं और अंत में प्याज खत्म हो जाए और तब हमें एहसास होगा कि जिसे हम छिलका समझकर हटा रहे थे वही तो प्याज था। ऐसे ही जिंदगी वही है जो हम जी रहे हैं, वो नहीं जो आने वाली है या जो हम जी चुके हैं। जो भी हम कर रहे हैं इसी को एंजॉय करना सीखना होगा और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड को चेंज करना है और किसी चीज़ को नहीं। लेखक ने जिस हिसाब से शुरुआत में ही सस्पेंस बना दिया था और कहानी को बड़े ही अच्छे अंदाज में कहते हुए पूरी कहानी को बांधे रहते हैं और आखिर में भी सस्पेंस बनाकर छोड़ दिया है। किताब की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए आप इसको एक बैठक में भी पूरा कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा रोमांच है। सरकारी नौकरियों में टेबल के दूसरी तरफ से कितने भ्रष्टाचार होते हैं और क्या क्या कमियाँ होती हैं, वो सारी बातें उजागर की गई हैं। और इसके साथ ही जीवन के फलसफे को भी सिखाने का प्रयास किया गया है कि आपके पास जो भी हो उसमें संतुष्ट रहिए और वहीं जीवन होता है। किसी भी फील्ड में जाएंगे तो उसकी अपनी कमियां होती हैं, उसकी अपनी चैलेंजेस होते हैं। किताब की भाषा बेहद आसान रखी गई है, नॉर्मल हिंदी है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कुछ सरकारी और टेक्निकल टर्म्स आपको दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लेखक ने पूरा शोध करके और बहुत अच्छे से लिखा है, ऐसा लगता नहीं है कि यह इनकी पहली किताब है। अगर एक दो कमियों की बात की जाए तो कह सकते हैं कि कहानी में लेखक क्या कहना चाहते हैं वो क्लियर नहीं था, क्योंकि कहानी की शुरुआत एक मर्डर के सस्पेंस से होती है लेकिन उसके बाद कहानी में इसका कहीं और जिक्र नहीं किया जाता। उसके बाद बीच में लेखक सिर्फ अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, और आखिर के दो चार पन्नों में कहानी को खत्म कर दिया गया है और ऐसा लगता है कि अभी कहानी अधूरी रह गई है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। इसके अलावा किताब में कोई खास कमी नहीं है। आप 122 पेज की यह किताब आप आराम से पढ़ सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा और पूरा फुल पैसा वसूल करते हुए भी दिखेगा। तो दोस्तों, ये मेरी राय है, आपकी राय मेरी राय से भिन्न हो सकती है, तो आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।